हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस या जनरल नॉलेज के ऐसे 12 क्वेश्चन जिनमें लगातार जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं या पूछने की संभावना रहती है। ऐसे 12 क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, जिनमें से 2 या 3 क्वेश्चन प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों का फ़ायदा उठाने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखिए। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। डेली मैं आपको ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए आपको इसका फ़ायदा उठाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसे सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करवाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1960, 1980, 1950 और 1930। तो इनमें से बात करते हैं तो मदर टेरेसा को जो भारत रत्न दिया गया था फ्रेंड्स, वह दिया गया था 1980 में, यानी अपना बी जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। अब मदर टेरेसा से संबंधित अन्य क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो मदर टेरेसा को रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की मदर टेरेसा के नाम से नवाजा गया था। इनका जन्म अपन मानते हैं कि 1910 में हुआ था और ये रोमन कैथोलिक की थी, लेकिन 1948 में इन्होंने क्या किया था, भारत की नागरिकता को मान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लगभग एग्जाम में पूछते हैं। तो ऑप्शन देखिए, स्वतंत्रता एक्सप्रेस, भारत पाक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलने वाली ट्रेन है फ्रेंड्स, उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस, सी ऑप्शन सही है। अगर पूछा जाए ये ट्रेन कब चली थी, तो 22 जुलाई 1976 को यह ट्रेन चलाई गई थी। यह चलती है अटारी और लाहौर के बीच, अटारी और लाहौर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की राजधानी कोहिमा है। मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और हरियाणा। तो इनमें से अपन बात करते हैं नागालैंड जो है उसकी राजधानी कोहिमा है, और नागालैंड जो है वह अपन कहते हैं कि भारत का उत्तरी पूर्वी एक राज्य है, पड़ोसी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ट्रेन को हॉस्पिटल ऑन व्हील्स कहा जाता है। समझौता एक्सप्रेस, स्वतंत्रता एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है उसे हॉस्पिटल ऑन व्हील्स से कहा जाता है। यह दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जो 1951 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दूर दूर तक लोगों तक मेडिकल सेवा को पहुंचाना। नेक्स्ट, इनमें से किस देश में स्वर्ण की सबसे अधिक खपत होती है। अमेरिका, यूरोप, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें स्वर्ण की सबसे ज़्यादा खपत होती है, सी ऑप्शन अपना भारत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा, मेघालय, नागालैंड और राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, जिसे पहले उड़ीसा भी कहा जाता था। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई देखिए फ्रेंड्स, 50 मीटर, 82.9 मीटर, 72.5 मीटर या 44.8 मीटर। तो सही ऊंचाई है फ्रेंड्स, 72.5 मीटर, सी ऑप्शन सही है। और अगर फिट में देखें तो लगभग 238 फीट यह मानी जाती है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका व्यास अगर देखा जाए तो 14.3 मीटर इसका व्यास माना जाता है।
और ऊपर जाकर इसका जो व्यास होता है वह 2.75 मीटर रह जाता है। इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है जिनकी संख्या 287 मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ट्रेन भारत में सबसे ज़्यादा दूरी और सबसे अधिक समय की यात्रा पूरी करती है? समझौता एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस या विवेक एक्सप्रेस? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स विवेक एक्सप्रेस। इसके द्वारा 4273 किलोमीटर 4273 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, जिसमें यह लगभग 80 घंटे और 15 मिनट का समय लेती है। यह असम से तमिलनाडु के बीच चलने वाली एक ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की राजधानी जयपुर है? तो ओडिशा, मेघालय, नागालैंड और राजस्थान। तो अपने को पता है यह राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान ने भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा। तो यह स्थित है फ्रेंड्स तमिलनाडु में, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन महाभारत के रचयिता हैं? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो वाल्मीकि, तुलसीदास, वेदव्यास या इनमें से कोई नहीं, तो इनके रचयिता हैं वेदव्यास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 2015 की फेमिना मिस इंडिया विजेता है? अदिति आर्या, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ या सुष्मिता सेन? तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए अदिति आर्या, जिसे 2015 की फेमिना मिस इंडिया विजेता चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये ऐसे 12 क्वेश्चन थे जो लगभग कंपटीशन एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है। क्वेश्चन कैसे लगे अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक्स।